32 साल पुराने अपहरण मामले में सुपौल जिले की वीरपुर जेल में बंद जन अधिकार पार्टी के संरक्षक व पूर्व सांसद पप्पू यादव को किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। उनके स्वास्थ्य जांच के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने इसकी अनुशंसा कर दी है। उन्हें किस अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा इसके लिए गुरुवार को DMSP सहित डॉक्टरों की बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। प्रशासन से जुड़े एक बड़े अधिकारी ने मीडिया को बताया कि बुधवार की देर शाम मेडिकल बोर्ड के सदस्य वीरपुर जेल जाकर पूर्व सांसद के स्वास्थ्य की जांच की। उन्होंने पूर्व सांसद को इलाज की आवश्यकता बताते हुए हायर सेंटर रेफर करने की अनुशंसा की है, जिस पर प्रशासन जल्द निर्णय ले रही है। बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने मंगलवार को पटना स्थित उनके आवास से लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर हिरासत में लिया था। बाद में मधेपुरा से गई पुलिस ने उन्हें जिले के कुमारखंड थाना में दर्ज कांड संख्या 989 में फरार होने के कारण गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार देर रात ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मधेपुरा कोर्ट में पेशी की गई, जहां से कोर्ट ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में पप्पू यादव को सुपौल के वीरपुर जेल में भेज दिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से पूर्व सांसद लगातार अपनी बीमारी का हवाला देकर चिकित्सीय सुविधा देने की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार वह समस्याओं को गिना रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ पर सोने की व्यवस्था नहीं है, वो ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सा सुविधा देने और वीरपुर जेल में कोई सुविधा नहीं होने को लेकर उन्होंने बुधवार को भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा देने के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी थी। इधर जेल प्रशासन की अनुशंसा पर DM महेंद्र कुमार ने 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। डॉक्टरों की टीम ने बुधवार की देर शाम पूर्व सांसद पप्पू यादव के स्वास्थ्य की जांच की है, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की अनुशंसा कर दी गई है।